आइए आज हम स्टडी करेंगे केमिस्ट्री का तीसरा चैप्टर तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणों गुणधर्मों में आवर्तिता क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों में आवर्तिता। तो सबसे पहले जो लिखा है इसका मतलब समझते हैं। तो इसका मतलब ये है जैसे हम जीवों का वर्गीकरण करते थे वैसे वर्ग बना बना करके खाने बना बना करके हम तत्वों को रखेंगे वर्गाकार खाने बना के और फिर उन खानों में रखे गए तत्वों में गुणों का क्रम किस प्रकार से आ जा रहा है। आवर्तिता का मतलब क्रम से आना जाना ये मतलब। तो उन गुणों का फिर हम लोग अध्ययन करेंगे कि उन गुणों में क्या आवर्तिता है मतलब जो तत्व है उनमें मेल जोल क्या है गुणों का। तो इसको देखते हैं। तो सबसे पहले कह रहा है कि आवर्त सारणी प्रमाणिक तौर पर रसायन शास्त्र का अत्यंत महत्वपूर्ण विचार है। प्रतिदिन विद्यार्थी को इससे सहायता मिलती है, खोजकर्ताओं को नई दिशा मिलती है और व्यवस्थित रूप में संपूर्ण रसायन शास्त्र का संक्षिप्त वर्णन मिलता है। यह इस बात का एक अद्भुत उदाहरण है कि रासायनिक तत्व अव्यवस्थित समूह में बिखरी हुई इकाई नहीं होते अपितु वे व्यवस्थित समूहों में समानता प्रदर्शित करते हैं। जो लोग यह जानना चाहते हैं कि दुनिया छोटे छोटे अंशों से कैसे बनी उनके लिए आवर्त सारणी बहुत उपयोगी है। ये ग्लेन डी सीबर्ग नाम के साइंटिस्ट ने बताया है, ग्लेन टी सीबर्ग। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारा आवर्त सारणी है उसका मतलब ये है कि उसमें वर्ग यानी छोटे छोटे खाने बनाए गए हैं, अभी आगे हम पढ़ेंगे, और छोटे छोटे खानों में तत्व रखे गए हैं और उन तत्वों को इस हिसाब से रखा गया है कि उनके जो गुण धर्म है वो अगल बगल वाले तत्वों से कुछ हद तक मिलते जुलते हैं, मतलब गुणों की समानता के आधार पर उनको वर्ग और आवर्त में रखा गया है। और वर्ग और आवर्त के हिसाब से अगर हम उनका अध्ययन करना चाहें तो बड़ी आसानी से कर सकते हैं। जैसे वर्गीकरण हमने जीवों में पढ़ा था तो उसी प्रकार से वर्गीकरण यहाँ तत्वों का है। तो आगे देखते हैं, इस एकक में यानी इस अध्याय में हम वर्तमान आवर्त सारणी का ऐतिहासिक विकास एवं आधुनिक आवर्त नियम का अध्ययन करेंगे। तत्वों का वर्गीकरण परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का परिणाम है। अंत में हम तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणों की आवर्ती प्रवृत्ति पर विचार करेंगे। आइए अब हम आगे देखते हैं कि तत्वों का वर्गीकरण क्यों आवश्यक है। तो इसको देखते हैं। अब तक हम यह जान चुके हैं कि तत्व सभी प्रकार के पदार्थों की मूल इकाई होते हैं। कहने का मतलब यह है कि जितने भी पदार्थ हैं वो सब तत्वों से मिलकर के बने होते हैं। तो इसको अंडरलाइन कर लीजिए। सन 1800 में केवल 31 तत्व ज्ञात थे। सन 1865 तक 63 तत्वों की जानकारी हो गई थी। आजकल हमें 114 तत्वों के बारे में पता है। सिर्फ इतना याद रखना है कि आजकल हमें कितने तत्वों के बारे में पता है, तो 114 तत्वों के बारे में पता है। इनमें से हाल में खोजे गए तत्व मानव निर्मित हैं। कुछ ऐसे तत्व हैं अब जो वर्तमान में खोजे गए हैं वो मानव द्वारा बनाए गए हैं। वैसे अभी भी नए तत्वों की कृत्रिम रचना के प्रयास जारी हैं। इतने सारे तत्वों और उनके असंख्य यौगिकों के रसायन का अध्ययन अलग अलग कर पाना बहुत कठिन है। इस कठिनाई को दूर करने के लिए वैज्ञानिकों ने तत्वों का वर्गीकरण करके इस अध्ययन को संगठित किया और आसान बनाया। इतना ही नहीं, इस संक्षिप्त तरीके से सभी तत्वों से संबंधित रासायनिक तथ्यों का अध्ययन तर्कसंगत रूप से तो कर ही सकेंगे, भविष्य में खोजे जाने वाले अन्य तत्वों के अध्ययन में भी मदद मिलेगी। अब देखिए आगे है कि
आवर्त सारणी की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ पीरियाडिक टेबल, आवर्त सारणी की उत्पत्ति कैसे हुई, तो इसको देखते हैं। तत्वों का वर्गीकरण समूहों में और आवर्तिता नियम एवं आवर्त सारणी का विकास वैज्ञानिकों द्वारा अनेक अवलोकनों तथा प्रयोगों का परिणाम है। सर्वप्रथम जर्मन रसायनज्ञ जान डोबेरिन ने सन 1800 के प्रारंभिक दशकों में इस बात की ओर संकेत किया कि तत्वों के गुणधर्मों में निश्चित प्रवृत्ति होती है। सन तो ये सबसे पहले जान डोबेराइन ने मतलब आवर्त सारणी में को बनाने में प्रयास किया था। सन 1829 में उन्होंने समान भौतिक एवं रासायनिक गुणों वाले तीन तत्वों के समूहों यानी त्रिकों की तरफ ध्यान आकर्षित किया था। उन्होंने यह भी बताया कि प्रत्येक त्रिक में तीन बीच वाले तत्व का परमाणु भार शेष दोनों तत्वों के परमाणु भार के औसत मान के लगभग बराबर था। 3.1 को देखें। साथ ही मध्य वाले तत्व के गुणधर्म शेष दोनों तत्वों के गुणधर्म के मध्य पाए गए। तो अब कहने का मतलब यह है कि जान डोबेराइन का त्रिक का नियम कुछ ही तत्वों के लिए सही पाया गया, इसको ध्यान देना, कुछ ही तत्वों के लिए सही पाया गया। त्रिक को देखिए, इंग्लिश में ट्राइएड्स बोलेंगे, ट्राइएड्स। अब देख लिए, चूंकि डोबेराइन का त्रिक का नियम कुछ ही तत्वों के लिए सही पाया गया, इसलिए इसे महज एक संयोग समझकर इसका विचार छोड़ दिया गया। इसके पश्चात फ्रांसीसी भूगर्भ शास्त्री एईबी डी चैन कोर्टोइस ने सन 1862 में तत्वों का वर्गीकरण करने का प्रयास किया। तो जान डोबेराइन जो साइंटिस्ट थे, उनका त्रिक का ट्राइएड का जो ला था, तो वो कुछ ही तत्वों के लिए सही पाया गया, इसलिए उसे बेकार समझकर या संयोग समझकर कि ऐसे संयोग से हो गया होगा, बाकी सारे तत्वों में ऐसा नहीं होगा, उस विचार को छोड़ दिया गया। इसके पश्चात फ्रांसीसी भूगर्भ शास्त्री एईबीडी चैन कोर्टोइस ने सन 1862 में तत्वों का वर्गीकरण करने का प्रयास किया। तब तो फिर इस वैज्ञानिक एईबीडी चैन कोर्टोइस ने फिर से प्रयास किया वर्गीकरण करने का, तो उन्होंने तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया और तत्वों की वृत्ताकार सारणी बनाई, जिसमें तत्वों के गुणधर्मों में आवर्ती पुनरावृत्ति को दर्शाया गया। तो इस प्रकार से चैन कोर्टोइस ने क्या किया कि तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया और तत्वों की वृत्ताकार सारणी बनाई। इन्होंने कैसी सारणी बनाई? वृत्ताकार, जिसमें तत्वों के गुणधर्मों में आवर्ती पुनरावृत्ति को दर्शाया गया। यह भी अधिक ध्यान आकर्षित नहीं कर सका, यह भी इसमें भी लोगों का ज्यादा ध्यान नहीं गया। अंग्रेज रसायनज्ञ जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स ने सन 1865 में अष्टक नियम दिया। ला ऑफ ऑक्टेव दिया अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स ने। उन्होंने तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया तथा पाया कि किसी भी तत्व से प्रारंभ करने पर आठवें तत्व के प्रथम
तत्व के आठवें तत्व के गुण प्रथम तत्व के समान थे, 3.2 देखे। तो उन्होंने ये पाया और आक्टेव रूल जो बनाया एलेक्जेंडर न्यूलैंड्स ने, उन्होंने पाया कि जो आठवां तत्व है वो पहले तत्व के समान गुणधर्म वाला पाया गया। यह संबंध उसी प्रकार का था जैसे आठवें संगीतिक स्वर 8 म्यूजिकल नोट का संबंध प्रथम सांगीतिक स्वर के साथ होता है। तो कहने का मतलब है जैसे सा रे गा मा पा धा नी के बाद नी के बाद सा आ जाता है पहला, तो इस प्रकार का क्रम था। तो इस पूरे को अंडरलाइन कर लेना, पीछे जो किया उसको, इसको भी। न्यूलैंड्स का अष्टक नियम सिर्फ कैल्शियम तक के तत्वों तक सही प्रतीत हुआ, हालांकि उस समय इस धारणा को व्यापक मान्यता नहीं मिली, परंतु बाद में रॉयल सोसाइटी लंदन द्वारा 1887 में न्यूलैंड को डेवी पदक द्वारा पुरस्कृत कर उनके काम को मान्यता दी गई। तो इनका जो न्यूलैंड का अष्टक नियम था वो केवल कैल्शियम तक ही सही होता प्रतीत हुआ, बाद में इसको मान्यता नहीं मिली। अब आगे देखिए, अब आगे हैं देखिए, रूसी रसायनज्ञ दमित्री मेंडलीव तथा जर्मन रसायनज्ञ लोथर मेयर के सतत प्रयासों के फलस्वरूप आवर्त सारणी के विकास में सफलता प्राप्त। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इन्होंने जो महान कार्य किया तत्वों को व्यवस्थित करने का, वो सराहनीय रहा और इनके जो आवर्त सारणी है उससे विकास में सफलता प्राप्त हुई। स्वतंत्र रूप से कार्य करते हुए दोनों रसायनज्ञों ने 1869 में प्रस्तावित किया कि जब तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भारों के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तब नियमित अंतराल के पश्चात उनके भौतिक तथा रासायनिक गुणों में समानता पाई जाती है। इसको ध्यान देना है, अब आगे देखिए, लोथर मेयर ने भौतिक गुणों जैसे परमाणवीय आयतन, गलनांक एवं क्वथनांक और परमाणु भार के मध्य वक्र आलेखित किया, कर्व्ड प्लॉटिंग किया, जो एक निश्चित समुच्चय वाले तत्वों में समानता दर्शाता था। तो लोथर मेयर ने क्या किया कि भौतिक गुण जैसे परमाणु का आयतन, गलनांक एवं क्वथनांक और परमाणु भार, इनके मध्य जो है क्या किया, एक ग्राफ बनाया, एक कर्व प्लॉट किया। तो उसमें ध्यान उसने पाया कि जो एक निश्चित समुच्चय वाले तत्व हैं, मतलब एक साथ जो रखे गए, उनके गुणों में समानता पाई गई। 1868 तक लोथर मेयर ने तत्वों की एक सारणी का विकास कर लिया जो आधुनिक आवर्त सारणी से काफी मिलती जुलती थी, लेकिन उसके काम का विवरण दमित्री मेंडलीव के काम के विवरण से पहले प्रकाशित नहीं हो पाया। आधुनिक आवर्त सारणी के विकास में योगदान का श्रेय दमित्री मेंडलीव को दिया गया है। इसको ध्यान देना है कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है तो उसके विकास में योगदान मेंडलीव का रहा है। हालांकि आवर्ती संबंधों के अध्ययन का आरंभ डोबराइन ने किया था, किंतु मेंडलीव ने आवर्त नियम को पहली बार प्रकाशित किया। जो डोबराइन थे सबसे पहले उन्होंने आवर्त सारणी बनाने का प्रयास किया, लेकिन जो आवर्त नियम है वो मेंडलीव ने पहली बार प्रकाशित किया। यह नियम इस प्रकार है। अब इस नियम को ध्यान देना है, तो यह नियम इस प्रकार है कि तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं।
तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं, मतलब कि परमाणु भार के हिसाब से उनके गुणधर्म रेगुलर रूप से बदलते हैं, ये मेंडलीफ ने बताया। मेंडलीफ ने तत्वों को क्षैतिज पंक्तियों एवं ऊर्ध्वाधर स्तंभों में उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के अनुसार सारणी में इस तरह क्रम से रखा कि समान गुणधर्मों वाले तत्व एक ही ऊर्ध्वाधर स्तंभ या समूहों में पाए जाएं। तो इसको ध्यान देना है कि जो मेंडलीफ ने क्या किया कि खड़ी लाइनें और पट लाइनें बनाई तो उनसे खाने बन गए, तो उन खानों में जो है तत्वों को समान गुणधर्म वाले तत्व एक ही ऊर्ध्वाधर स्तंभ या समूहों में स्थान पाए, मतलब जो ऊर्ध्वाधर इस तरह से थे ऊपर से नीचे जाने पर खंड के खंड में जाते थे अगर हम, तो उनके गुणों में समानता पाया गया और ऊपर से नीचे जो खंड मिलते थे उनको समूह कहते थे, और जो आगे जाने पर खंड मिलते थे वर्ग मिलते थे वर्गाकार समूह उनको आवर्त कहते हैं। तो ध्यान देना है कि नीचे जाने पर जो मिलेंगे उनको समूह कहते हैं, आगे जाने पर जो मिलेंगे उनको आवर्त कहते हैं। मेंडलीफ द्वारा तत्वों का वर्गीकरण निश्चित तौर पर लोथर्मेयर के वर्गीकरण से अधिक विस्तृत था। मेंडलीफ ने आवर्तिता के महत्व को पूर्ण रूप से समझा और तत्वों के वर्गीकरण के लिए अधिक विस्तृत भौतिक एवं रासायनिक गुणों को आधार माना। विशेष रूप से मेंडलीफ ने तत्वों द्वारा प्राप्त यौगिकों के मूलानुपाती सूत्रों यानी एम्पिरिकल फार्मूला तथा उनके गुणधर्मों की समानताओं को आधार माना। तो इसको ध्यान देना है कि विशेष रूप से मेंडलीफ ने तत्वों के मूलानुपाती सूत्रों एम्पिरिकल फार्मूला, मूलानुपाती सूत्र हम पीछे पढ़ चुके हैं, मूलानुपाती जैसा उसका नाम है मूल अनुपात, तो जैसे C2H6 है, उदाहरण देखिए C2H6, तो इसमें अगर और इसको सिंपल करें तो CH3 लिख सकते हैं, दो का भाग दे दें तो ये मूलानुपाती सूत्र होगा। तो मूलानुपाती सूत्र मतलब सबसे सिंपल जो सूत्र है, सबसे सरल जो सूत्र है तत्वों का, तो उसका तथा उनके गुणधर्मों में समानता को आधार मान करके तत्वों को वर्गीकृत किया मेंडलीफ ने। वो यह जानते थे कि यदि परमाणु भार के क्रम का पूर्णतः पालन किया जाता तो कुछ तत्व उनके द्वारा दिए गए क्रम में आवर्त सारणी में नहीं रखे जा सकते थे। तो उनको ये पता था कि अगर हम केवल परमाणु भार को ही जो है आधार मान के सारणी बनाएंगे तो मजा नहीं आएगा, वो चीज नहीं हो पाएगी, इसलिए मूलानुपाती सूत्र को भी ध्यान में रखा। उन्होंने समान रासायनिक गुण दर्शाने वाले तत्वों को आवर्त सारणी में उचित स्थान देने के लिए उनके परमाणु भारों के क्रम की उपेक्षा की। तो कहने का मतलब यह है कि उचित स्थान देने के लिए परमाणु भार को भी उतना महत्व नहीं दिया, उसकी उपेक्षा की। उदाहरण के तौर पर आयोडीन जिसका परमाणु भार समूह 6 के तत्व टेल्यूरियम से कम था, जो समूह 7 में फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आदि के साथ गुणधर्मों के समानता के आधार पर रखा गया, चित्र 3.1। तो ये चित्र तो हम देख ही लेंगे। कहने का मतलब ये है कि 7 में 6 समूह में रखना चाहिए आयोडीन को, लेकिन उसको 7 में रखा गया फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन के साथ। उसका कारण ये था कि आयोडीन का जो गुणधर्म है वो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन से समानता रखता था, इसलिए मेंडलीफ ने उसमें रखा। चित्र 3.1 में दिखाया गया है, अभी हम देख लेंगे। उन्होंने समान गुणधर्म वाले तत्वों को एक समूह में रखने की प्राथमिकता को आधार मानते हुए यह प्रस्तावित किया कि कुछ तत्व जो खोजे नहीं गए थे के लिए सारणी में कुछ रिक्त स्थान छोड़ दिए गए। ये भी ध्यान दीजिए कि उन्होंने जो है ये ध्यान दिया कि कुछ तत्व जो है ऐसे थे जिनके गुणधर्म के दो तत्वों में अलग अलग गुणधर्म थे, उनके बीच के जो गुण थे वो नहीं पाए गए, तो उन खानों को उन्होंने छोड़ दिया। ये बुद्धिमानी देखिए। अब उदाहरण के लिए
जब मेंडलीव की और सारणी प्रकाशित हुई तब गैलियम तथा जर्मेनियम तत्वों की खोज नहीं हुई थी। उन्होंने एल्यूमिनियम और सिलिकॉन के नीचे एक एक रिक्त स्थान छोड़ा और इन तत्वों का नाम क्रमशः एका एल्यूमिनियम तथा एका सिलिकॉन रखा। तो जहाँ से शुरू हुआ उन्होंने से, तो उस पूरे को यहाँ तक जो है अंडरलाइन कर लीजिए, क्योंकि पूछा जा सकता है कि एल्यूमिनियम और सिलिकॉन के नीचे जो रिक्त स्थान छूटे उन तत्वों के नाम क्या हैं जो पहले जर्मेनियम थे और कुछ था पीछे। तो एका एल्यूमिनियम और एका सिलिकॉन रखा गया, एल्यूमिनियम को एका एल्यूमिनियम और सिलिकॉन को एका सिलिकॉन उन्होंने रखा था, बाद में एल्यूमिनियम और सिलिकॉन कहा गया। मेंडलीफ ने न केवल गैलियम और जर्मेनियम तत्वों के होने की प्रागुक्ति की बल्कि इन तत्वों के कुछ भौतिक गुणों का ब्यौरा भी दिया। बाद में खोजे गए इन तत्वों के प्रागुक्त गुणधर्मों तथा प्रायोगिक गुणधर्मों को 3.3 में सूचीबद्ध किया गया। तो सोचिए कितना बुद्धिमानी का काम था कि जो तत्व उनको नहीं पता थे उनके बारे में भी बता दिया कि आगे आने वाले समय में जो तत्व कुछ इस तरह के गुणों वाले तत्व मिलेंगे और उनको यहाँ रखा जाएगा। मेंडलीव की मात्रात्मक प्रागुक्तियों और कालांतर में उनकी सफलता के कारण उन्हें और उनकी आवर्तसारणी को काफी प्रसिद्धि मिली। मेंडलीव के सन 1905 में प्रकाशित आवर्तसारणी को चित्र 3.1 में दर्शाया गया है। तो इसको देख लेते हैं। तो शुरुआत से देखिए डोबेराइन का त्रिक नियम देख लेते हैं। त्रिक नियम में क्या था कि उन्होंने यह भी पाया कि प्रत्येक त्रिक में बीच वाले तत्व का परमाणु भार शेष दोनों तत्वों के परमाणु भार के औसत मान के लगभग बराबर था, 3.1। तो एलआई यानी के, तो ये बीच वाला जो तत्व है इन दोनों से गुणों से मिलता जुलता है। तो ये जो तत्व हैं इनमें अगर बीच का परमाणु भार निकालना होगा तो इन दोनों के औसत के बराबर होगा ये चीज। अब यहाँ पर देखिए न्यूलैंड के अष्टक नियम। तो जैसे सारे गामा पा धा नी सा, तो जो आठवां हमारा जो गाना गाने में जो स्वर होते हैं तो उसी प्रकार आठवां पहले से मिलता जुलता है। तो न्यूलैंड का जो ऑक्टेव रूल था अष्टक नियम उसके हिसाब से भी जो सात के बाद आठवां तत्व आएगा वो पहले के समान होगा, इसीलिए पहले के साथ रखा गया। इसी प्रकार इसमें सात के बाद आठवां पहले के साथ रखा गया। तो इस प्रकार से सात के बाद आठवां उसी क्रम में फिर से शुरुआत से रखा गया, लेकिन ये चीज केवल कैल्शियम तक ही सही हो पाई। ये देखिए सारणी बनी हुई है। अब देखिए यहाँ पर सारणी दी गई है मेंडलीव द्वारा एका एल्यूमिनियम गैलियम तथा एका सिलिकॉन जर्मेनियम। एका एल्यूमिनियम गैलियम को कहा था उन्होंने और एका सिलिकॉन जर्मेनियम को। अभी पीछे जब हम लोग पढ़े तो थोड़ा हमने गलत बताया था, तो यहाँ पर सुधार लीजिए। एका एल्यूमिनियम गैलियम को कहा था और एका सिलिकॉन जर्मेनियम को कहा था। तत्वों की प्रागुक्ति की, तो एल्यूमिनियम एका एल्यूमिनियम यानी गैलियम और एका सिलिकॉन यानी जर्मेनियम के गुणधर्म जो हैं इनके बारे में बताया, जैसे परमाणु भार, घनत्व, गलनांक, ऑक्साइड का सूत्र, क्लोराइड का सूत्र, इन सब को याद करने की कोई जरूरत नहीं। अब यहाँ पर देखिए समूहों तथा श्रेणियों में तत्वों की आवर्तिता। तो समूहों तथा श्रेणियों में तत्व दिए गए हैं, जैसे सीरीज है। तो यहाँ पर 0 से लेकर के देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक ये तत्वों समूहों तथा श्रेणियों में तत्वों की आवर्तिता। तो देखिए नीचे जाने वाले को समूह बोलते हैं, जैसे इसी लाइन पे हम नीचे जा रहे हैं तो एक समूह ये हो गया, दूसरा समूह ये, तीसरा समूह ये। अगर हम आगे चलेंगे तो कहेंगे एक आवर्त ये हो गया, दूसरा आवर्त हो गया, तीसरा आवर्त ये, इस तरह। मतलब एक आवर्त ये हो गया, दूसरा आवर्त ये, तीसरा आवर्त ये, चौथा आवर्त ये, पांचवा आवर्त ये, इस तरह। और समूह में कहेंगे एक समूह ये हो गया, एक समूह ये हो गया, एक समूह ये, इस तरह। तो ये समूह है, एक समूह ये हो गया, एक समूह ये, एक समूह ये, इस तरह। ये एक आवर्ते हो गया, एक आवर्ते हो गया, एक आवर्ते, जहाँ तक लाइन खींची। तो इस समूह आवर्त के बारे में हमको जानना है, बाकी तत्वों के बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे।
तो एक चीज हम आपको ये बता दें कि इसमें ये ध्यान देना है कि आपको पूरे जो है आवर सारणी याद होनी चाहिए आधुनिक, उसके बारे में अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं, तो वो आवर सारणी हमको याद होनी चाहिए। तो देखिए, आधुनिक आवर्त नियम तथा आवर सारणी का वर्तमान स्वरूप, तो आधुनिक आवर्त नियम क्या है उसको ध्यान देते हैं, यही आपके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि जब मेंडलीफ ने आवर्त सारणी का विकास किया, तब रसायनज्ञों को परमाणु की आंतरिक संरचना का ज्ञान नहीं था। 20वीं शताब्दी के आरंभ में अपरमाणु कणों का विकास हुआ, यानी सब एटॉमिक पार्टिकल, जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ये सब। सन 1913 में अंग्रेज भौतिक वैज्ञानिक हेनरी मोजले ने तत्वों के अभिलाक्षणिक यक्ष किरण स्पेक्ट्रम में नियमितता पाई और देखा कि रूट न्यू, जहाँ न्यू यक्ष किरण की आवृत्ति है, और परमाणु क्रमांक जेड के मध्य वक्र आरेख होने पर एक सरल रेखा प्राप्त होती है, परंतु परमाणु द्रव्यमान तथा रूट न्यू के आलेख में सरल रेखा प्राप्त नहीं होती। तो इन चीजों को ध्यान देना है कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो मोजले ने दी थी, और उन्होंने एक प्रैक्टिकल किया, वो यक्ष किरण का प्रैक्टिकल था। तो उसमें उन्होंने क्या प्रयोग किया कि अगर जो है यक्ष किरण की अगर हम आवृत्ति के बारे में देखते हैं, रूट न्यू मतलब अंडर रूट आवृत्ति के बारे में, और परमाणु क्रमांक जेड के मध्य अगर हम एक वक्र खींचे, कर्व खींचे, तो आलेख करने पर एक सरल रेखा प्राप्त होती, परंतु परमाणु द्रव्यमान जिसको परमाणु भार कहते हैं तथा रूट न्यू के आलेख में सरल रेखा प्राप्त नहीं होती है। अतः मोजले ने दर्शाया, अब यहाँ पर देखिए गणित की बात है, अभी तक जितने वैज्ञानिक थे उन्होंने परमाणु भार के आधार पर जो है आवर्त सारणी बनाने का प्रयास किया, लेकिन मोजले ने एक प्रैक्टिकल किया जिसमें रूट न्यू और परमाणु क्रमांक के साथ जब आरेख खींचा, कर्व खींचा, तो सरल रेखा मिली, और जब इसी रूट न्यू यानी आवृत्ति के रूट और परमाणु द्रव्यमान यानी परमाणु भार के बीच खींचा, तो सरल रेखा प्राप्त नहीं हुई। इसका मतलब कि रूट न्यू और परमाणु क्रमांक के बीच जो संबंध है वो रूट न्यू और परमाणु भार के बीच नहीं। तो परमाणु भार के आधार पर जिन लोगों ने आवर्त सारणी बनाई उनको सफलता इसीलिए नहीं मिली। अब ये परमाणु क्रमांक के आधार पर बनाएंगे तो इनको सफलता मिलेगी। तो जो पहले की आवर्त सारणी है सबने परमाणु भार के आधार पर बनाया, लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी जो है ये मोजले ने दी, हेनरी मोजले ने, जो अंग्रेज भौतिक वैज्ञानिक थे, इन्होंने परमाणु क्रमांक को आधार माना यानी एटॉमिक नंबर को, इसीलिए इनको सफलता मिली, और वो भी प्रैक्टिकल के आधार पर। तो अब आगे देखते हैं, अतः मोजले ने दर्शाया कि परमाणु द्रव्यमान की तुलना में किसी तत्व का परमाणु क्रमांक उस तत्व के गुणों को दर्शाने में अधिक सक्षम है। तो ये उन्होंने पाया प्रैक्टिकल के आधार पर, क्योंकि परमाणु क्रमांक और रूट न्यू का जो ग्राफ था वो सीधी रेखा थी, सरल रेखा थी। इसी के अनुसार मेंडलीफ के मेंडलीफ के आवर्त नियम का संशोधन किया गया, इसे आधुनिक आवर्त नियम कहते हैं। तो आधुनिक आवर्त नियम क्या है? तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं, ये आधुनिक नियम हो गया। पुराना नियम क्या था? परमाणु भार के आवर्ती फलन। तो इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियाडिक फंक्शंस ऑफ दियर एटॉमिक नंबर्स, यानी परमाणु क्रमांक के आधार पर तत्वों के रासायनिक और भौतिक गुणधर्म का आवर्ती फलन होता है, यानी क्रमबद्ध तरीके से आते जाते हैं। अब आवर्त नियम के द्वारा प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले 94 तत्वों में उल्लेखनीय समानताएं मिली। अब जब ये नियम बन गया तो इसके आधार पर देखा गया तो जितने 94 तत्व हमारे थे जो प्राकृतिक रूप से पाए गए जाने वाले
94 तत्वों में उल्लेखनीय सफलता मिली। लेकिन मतलब आपको समझना चाहिए कि 94 तत्व प्राकृतिक रूप से पाए गए, बाकी आदमी द्वारा बनाए गए। तो एक्टिनियम और प्रोटोक्टिनियम की भांति नेपच्यूनियम और प्लूटोनियम की यूरेनियम के स्पीच ब्लैंड में पाए गए, प्लूटोनियम भी यूरेनियम के स्पीच ब्लैंड में पाए गए, इसके अकार्बनिक रसायन शास्त्र में प्रोत्साहन मिला और कृत्रिम अल्पायु वाले तत्वों की खोज हुई। अब यहां पर देखिए आयक्स शब्द आ गया है, आयक्स तो अभी मोटी मोटी भाषा में हमें आयस्क ये समझ लेना है कि 3-4 प्रकार के उसी प्रकार मिलते जुलते तत्व जिनमें सब में वो चीज पाए जाने की संभावना हो। जैसे पिच ब्लाइंड है तो कह रहा है एक्टिनियम और प्रोटोनियम प्रोटोक्टियम प्रोटोक्टिनियम की भांति नेपच्यूनियम और प्लूटोनियम भी यूरेनियम के अयस्क पिच ब्लाइंड में पाए गए। तो यूरेनियम का अयस्क मतलब यूरेनियम का ऐसा एक चीज है जिसमें ये सब पाए जाते हैं एक साथ। तो इसके अकार्बनिक रसायन शास्त्र में प्रोत्साहन मिला और कृत्रिम अल्पायु वाले तत्वों की खोज हुई। कृत्रिम अल्पायु का मतलब जिनकी अर्धायु बहुत कम है, क्योंकि तत्वों में ये निश्चित होता है कि एक रूप से दूसरे रूप में बदलते रहते हैं। तो वो बदलने के जैसे कोयला है, कोयला बहुत सालों बाद वो हीरा में बदल जाता है, तो ऐसे ही तत्वों की एक निश्चित आयु है, उसके बाद वो बदलते रहते हैं। जैसे हम लोगों की निश्चित आयु है, उसके बाद हमारा शरीर मृत होकर के दूसरे चीजों में बदल जाएगा। अब आगे देखते हैं, देखिए आप पहले पढ़ चुके हैं कि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक उस तत्व के नाभिकीय आवेश यानी प्रोटॉनों की संख्या या उदासीन परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। ये चीज हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जितने प्रोटॉन होते हैं नाभिक में उसी को परमाणु क्रमांक कह सकते हैं, या प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है किसमें, जो उदासीन परमाणु हो। तो उदासीन परमाणु के लिए प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर परमाणु क्रमांक होगा, तो उसी बात को कह रहा। इसके पश्चात क्वांटम संख्याओं की सार्थकता और इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों की आवर्तिता को समझना सरल हो जाता है। अब यह स्वीकार कर लिया गया है कि आवर्त नियम तत्वों तथा उनके यौगिकों के भौतिक तथा रासायनिक गुणों का फलन होते हैं जो तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आधारित है। तो अब यह बता रहा है कि अब यह स्वीकार कर लिया गया है कि जो आवर्त नियम है तत्वों तथा उनके यौगिकों के भौतिक तथा रासायनिक गुणों का फलन है जो तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आधारित है। तो अब जो नया सिस्टम है तो उसको ध्यान देना है कि जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, जो हम लोग लिखते हैं कि पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में कितने हैं, तीसरे में कितने हैं, चौथे में कितने, तो उसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहा जाता है। जैसे 2, 8, 8, 18, 18, 32 इस तरह अभी आगे आएगा तो पढ़ेंगे। तो ये कह रहा है कि जो भौतिक और रासायनिक गुण है तत्वों के, तो वो अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आधारित है। अब आगे देखते हैं, समय समय पर आवर्त सारणी के विभिन्न रूप प्रस्तुत किए गए हैं। कुछ रूप तत्वों की रासायनिक अभिक्रियाओं तथा संयोजकता पर बल देते हैं, जबकि कुछ अन्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर। तो कहने का मतलब यह है कि आवर्त सारणी के भिन्न भिन्न रूप प्रस्तुत किए गए हैं, समय समय पर बदलाव हुआ है, तो कुछ ने रासायनिक अभिक्रियाओं तथा संयोजकताओं को बल दिया तथा कुछ ने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को। इसका आधुनिक रूप जिसे आवर्त सारणी का दीर्घ रूप कहते हैं बहुत सरल तथा अत्यंत उपयोगी है और इसे चित्र 3.2 में दर्शाया गया है। 36 पंक्तियों जिन्हें मेंडलीव ने श्रेणी कहा है को आवर्त कहते हैं। जो 36 मतलब पट हैं, जैसे इधर से इधर अभी हमने बताया था कि चलेंगे, तो उनको आवर्त कहते हैं, और ऊर्ध्वाधर स्तंभों को वर्ग यानी ग्रुप कहते हैं। समान तो इनको जो है ध्यान देना, वैसे हमने बता दिया है।
हाँ, उदाहरण रूपों को वर्ग या ग्रुप कहते हैं। समान बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले तत्वों को ऊर्ध्वाधर स्तंभों में रखा जाता है। इसको ध्यान देना कि जैसे हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा, तो बाहर जो है, जिन जिन तत्वों के बाहर समान इलेक्ट्रॉन होंगे, तो कह रहा है उनको समान बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले तत्वों को ऊर्ध्वाधर स्तंभों में रखा गया, यानी वर्ग में, जिन्हें वर्ग या परिवार कहा जाता है। IUPAC के अनुमोदन के अनुसार वर्गों को पुरानी पद्धति फर्स्ट ए से लेकर के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड से लेकर सेवेंथ ए, एट्थ, अब फर्स्ट बी से लेकर के सेवेंथ बी के स्थान पर उन्हें 1 से 18 तक की संख्याओं में अंकित करके निरूपित किया गया है। तो इसको ध्यान देना है कि फर्स्ट से सेवेंथ और एट्थ तक, या फर्स्ट बी से सेवेंथ बी के स्थान पर अब उनको जो है 1 से लेकर 18 तक संख्याओं को में रखा गया। अब आवर्त सारणी में कुल 7 आवर्त हैं, इसको ध्यान देना। आवर्त सारणी में कुल 7 आवर्त हैं। अब आवर्त संख्या, आवर्त में तत्व की अधिकतम मुख्य क्वांटम संख्या को दर्शाती है। तो जो आवर्त संख्या, उस आवर्त संख्या को भी अंडरलाइन करिए और इसको भी। तो जो आवर्त संख्या है वो अधिकतम मुख्य क्वांटम संख्या n को दर्शाती है। प्रथम आवर्त में 2 तत्व उपस्थित हैं, इनके बाद के आवर्त में क्रमशः 8, 8, 18, 18 और 32 तत्व। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो पहला आवर्त है उसमें 2 तत्व, फिर 8, 8, 18, 18, 32, अभी हमने बताया था, 2, 8, 8, 18, 18, 32, तो उसी क्रम में लिखते हैं। 7वां आवर्त अपूर्ण आवर्त है। जो 7वां आवर्त है हमारा, वो अभी अपूर्ण है, उसमें और भी तत्व जो खोज होगी वो भरे जा सकते हैं। तो सैद्धांतिक रूप से 6वें आवर्ती की तरह है, इसमें तत्वों की अधिकतम संख्या क्वांटम संख्याओं के आधार पर 32 होगी। तो अगर सैद्धांतिक रूप से देखा जाए तो 7वें आवर्त में भी, जैसे इसमें 32 है तो उसमें भी 32 होगी। इस रूप में आवर्त सारणी के 6वें एवं 7वें आवर्त के क्रमशः लैंथेनाइड और एक्टिनाइड के 14 14 तत्व नीचे अलग से दर्शाए जा रहे हैं। तो इनको नीचे अलग से दर्शाया गया है। अब ये आवर्त सारणी को जो है, अब हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि अब लेक्चर थोड़ा बड़ा होता जा रहा है, तो अब इसको यहीं पर ख़त्म करते हैं। अब अगले लेक्चर में हम लोग पूरी आवर्त सारणी देखेंगे और यहाँ से पढ़ाई शुरू करेंगे।